उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के दूसरे चरण की 55 सीटों पर कहां होंगे मतदान। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 14 फरवरी को करेंगे। इस चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2,01,42,441 मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन सभी की किस्मत 14 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रमुख मुकाबला भाजपा, सपा रालोद गठबंधन, बसपा और कांग्रेस के बीच है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए 12,548 मतदान केंद्र पर 23,352 बूथ बनाए हैं। दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है, वहां मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है और इन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि वर्ष 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन 55 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस और सपा ने पिछला विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। सपा को जो 15 सीटें मिली थी, उनमें से 10 पर मुस्लिम प्रत्याशी जीते थे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगाया है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख रूप से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे और उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखने के लिए भाजपा सरकार को जरूरी बताया। अब देखना ये रहेगा कि इस बार किसकी किस्मत चमकती है। धन्यवाद।